गाइस एंड गर्ल्स वेलकम बैक। आज हम खेल रहे हैं दोबारा स्पैमल फियर, और आज के एपिसोड में हम टेम करने वाले हैं कुछ खतरनाक फ्लाइंग डायनोस को, क्योंकि जमीन वाले डायनोस तो हमारे पास में है, बट हमारे पास में खतरनाक वाले फ्लाइंग डायनो नहीं है। तो आज के एपिसोड में हम एक तो सेलेस्टियल आरजे को टेम करेंगे, या फिर स्पिरिट वेवन, या फिर कोई और दूसरा स्पिरिट डायनो, क्योंकि आगे चल के जो हम बॉस फाइट करने वाले उसके अंदर फ्लाइंग डायनोस का बहुत ज़्यादा नीड है। हमेशा तो हम केव के अंदर बैठ कर बाहर बॉस को स्पॉन करके तो फिनिश नहीं कर सकते, इसीलिए हमें फ्लाइंग डायनोस चाहिए। अभी मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हूँ, मेरे पास में 12 या 13 स्पिरिट ऑर्ब है, मैंने बहुत सारे बॉसेस को और फिनिश किया हूँ। साथ ही साथ हमारे पास में अभी 11, 12 या 14 के आसपास में सेलेस्टियल कीबल है, दोनों चीज़ें मैंने रेडी कर ली। अगर मेरे को दोनों डायनोस मिल गए मैं दोनों को टेम कर लूँगा, और साथ ही साथ 21 अपने पास में ओरिजिन एरो है। अभी हर एक चीज़ रेडी है, बस अपने को यहाँ से सेलेस्टियल कीबल लेना है, ऑर्ब लेना है, और रोडोल्फ को निकाल कर सीधा चलना है। डार्क ग्रिफिन है हमारे पास में, बट डार्क ग्रिफिन से तो हम नोवा द डिस्ट्रॉयर या फिर ऐसे कोई खतरनाक डायनोस को फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डार्क ग्रिफिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसीलिए अभी दूसरे और ख़तरनाक डायनोस को ना टेम करने का बहुत ज़्यादा नीड हो गया है, और बहुत दिन से ना हम इस रोडोल्फ के ऊपर ही बैठ कर घूम रहे हैं। जो मैंने स्पिरिट रैक्स को देखा हूँ ना, वो अपने बेस के मतलब यहीं पर तो कहीं घूम रहा था। ये देखो ये घूम रहा है, इसको तो मैं बहुत आसानी से और एक ही ऑर्ब में टेम हो जाएगा, सिर्फ दूर से इसको एक एरो मारना, क्या बोलते हैं, उसको भी टेम कर लूँ, क्योंकि हमारे पास में एंडोम एम्परर ऐसा कुछ तो सेलेस्टियल रैक्स है, हमारे पास में स्पिरिट रैक्स नहीं है। रुक जाए, काम करते हैं, जो हमारा मेन काम है पहले वो निपटाते हैं, और उसके बाद में आने के बाद में ना अगर टाइम बच जाए या फिर चीज़ें बच जाए तो फिर हम इसको भी टेम कर लेंगे, फिर इतना ज़्यादा सीन नहीं रहेगा। जो मैंने सेलेस्टियल आरजे देखा हूँ ना, वो इस टर्मिनल से थोड़ा सा अगर मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जाकर मेरे को इधर साइड में जाना था, हाँ देखो ये रहा वो सेलेस्टियल आरजे, इसको अपने को फिनिश करना है। तो मैं काम करता हूँ, पहले ही एरो निकाल लेता हूँ, ठीक है, दूर से अपने को फिनिश करना है इसको, मतलब फिनिश नहीं करना सिर्फ टेम करना है। तो 1 2 और भाई साहब थोड़ा नज़दीक चल लेना, थोड़ा और नज़दीक चल ले, हाँ आजा 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 आजा, एक दो और लग गया क्या, नहीं लगा, नहीं है, लगा नहीं है। अब बहुत अच्छा चांस है, अब बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है मेरे पास में उसको एरो मारने का। 1 2 और शिट, अरे यार भाई साहब, अरे 3 एरो वेस्ट कर दिया, क्या कर रहा हूँ मैं, एक भाई 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 भाई, भाई क्या कर रहा हूँ, 4 एरो वेस्ट कर दिया मैंने, इतना आज कैसे गंदा एम चल रहा है, हमेशा नज़दीक जाता हूँ एक एरो मार दो काम खत्म हो जाता है, 17 एरो बचे हैं। मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास में जो एक एरो है ना उसी को लेके आऊँगा, उसी को मार के मैं इनका काम ख़त्म कर दूंगा, बट अगर वो एक एरो लेके आता ना, मेरा एक घंटा दोबारा से ओरिजिन एरो बनाने के अंदर चला जाता। ये देखो ये वाला डार्क ग्रिफिन है अपने पास में, कहाँ गया वो, अभी तो यही था ना। हेलो सेलेस्टियल आरजे, वेयर आर यू, वो जो दूसरा आरजे है ना भाई, वो परेशान कर रहा था अपने को। हाँ बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया। 1 2 और यस। उसके बेहोश होने तक अपने को यहीं रहना है, बेहोश होने तक। एक काम करता हूँ, इसको अपने एरिया में लेके चले आता हूँ ना, आ रहे ना वो अपने एरिया में लेकर जाते हैं इसको, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्लीज़ 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 प्लीज़, हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। इधर ये बस बेहोश हो जा भाई, ये बेहोश हो जा। मैंने उसको क्यों नहीं लेके आया डेमोनिक को, अपने डेमोनिक को अगर लेकर आता ना तो वो ज़्यादा बेटर होता, क्यों पता है, मैं यहाँ के आसपास का माहौल क्लियर कर सकता था। ओ 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 ओ, इजी पीजी, उससे तो पता ही नहीं कि अभी उसके साथ में क्या होने वाला है। मैंने इन्हें टेम हेल्पर भी नहीं लेके आया, मैंने टेम हेल्पर भी लेने, इसको 7 कीबल चाहिए ना, 7 के 7 है हमारे पास में, तू टेंशन मत ले भाई, कितना इजी होने वाला है अपना काम, कितना ज़्यादा इजी होने वाला है, मेरे को सिर्फ रोड, इजी पीजी बॉय। इसकी इन्वेंटरी में क्या पड़ा है वैसे, यार ये अबे भाई क्यों नहीं, ए हट तेरी ऐसी की तैसी साले, मेरे को लगा ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा मेरे पास में टाइम नहीं है, सारे केबल मैं रख नहीं सकता इसके पास में। तो मुन्ना एक काम कर, ये एक खा, ने पूरे खा ले चल,
साथ खाएगा तो वैसे ही मैं तेरे वो कर लूंगा। जल्दी जल्दी खा ले भाई, जल्दी जल्दी खा ले, जल्दी जल्दी खा ले। ओ 14 में से हाँ बराबर, 14 का आधा 7 होता ना। ये हमने हमारा सेलेस्टियल आर्जी टेम कर लिया है, अब हम जाते जाते हमारा स्पिरिट रैक्स भी टेम कर लिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऑर्ब्स है और हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है। ओरिजिन एरो भाई बहुत काम में आता, ओरिजिन एरो बहुत ज्यादा काम में आता है। जाते जाते स्पिरिट रैक्स को भी हम लेकर चले जाएंगे। कहाँ घूम रहा था वो मुन्ना? हाँ ये यहाँ पर घूम रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे आता हूँ, ज्यादा बिल्कुल नीचे नहीं जाना गा। भाई यार ये स्पिरिट वाले ना बहुत गंदे, भाई स्पिरिट वाले बहुत गंदे, इनकी ये बिजली के अंदर भी मैं अगर मैं चला जाऊँ ना, उनकी रेंज में आ जाऊँ ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठक ठक करके पूरी एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है। अब तो बिजली कम हो जाएगी ना। हाँ मैं काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, ठीक है। क्या अगर मैं ये पोटेंट जो अपने पास में गन है, इससे भी अगर मैंने मारा उसको, तो मेरे को लगता है उसकी बैटरी डाउन होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिट का तो 2 मिलियन का टॉर पर रुक जाओ, कुछ होगा, फ़र्क पड़ेगा। आग फेंकेगा, आग का गोला फेंकेगा देखना, या फिर इधर आ जाएगा वो और मैं उसको वो कर दूँ। भाई मारा नहीं इसने अभी तक, 1 2 और अंदाजे पे लग गया, लग गया लग गया, हो गया अपना काम। इसके इसमें रहना पड़ेगा दीवार के बैठा। देखा 37,000 का एक टाइम में मारा उसने मेरे को, 37,000 का। मैं जा भी नहीं सकता हूँ वरना अपना रूडोल्फ की ना बैंड बज जाएगी। मैं बस उसकी रेंज में हूँ यहाँ पर नज़दीक में। अरे कहाँ गायब हो गया? हाँ इधर ही है ना, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, इजी पीजी इजी पीजी। बस ऐसे ही रहना है, कुछ नहीं करना हमें, बस इंतज़ार करना है। बट इसको ना रहते रहते पता नहीं कौन काटता है कि ये पलटता है और सीधा गोला मारता है, कहीं पर भी गोला मारता है। पहला स्पिरिट आने वाला है हमारे पास में, हमने आज तक कोई स्पिरिट को टेम नहीं किया। सेलेस्टियल तो हमने टेम कर लिया उस रैक्स को, बट हमारे पास में और कुछ खतरनाक है नहीं, दिख गया तो टेम कर ले रहा है, और बस कुछ ही देर में इसका काम होने वाला है। 1 2 और 3 बस आसपास में कोई हो ना भाई, आसपास में कोई ना हो। तेरी इन्वेंट्री में ये ले तू एक और, ठीक है एक और चाहिए ना, हाँ दे दे, बाकी के और दे, बाकी के और दे। तेरा नाम मैं अभी जाकर, आज नाम पूरे काम कर लेंगे, आज हमारे जितने पेंडिंग काम है ना, हम सारे पेंडिंग काम कर लेंगे, मतलब जितने भी लोगों के नाम रखने, जितने भी डायनोस के नाम बचे हुए ना, वो सारे के सारे नाम रख लेंगे। सिर्फ अभी हम यहीं पर स्टॉप नहीं होंगे, हम दोबारा जाएंगे, पहले हम अपने सेलेस्टियल को और इसको मैक्स लेवल का अपग्रेड कर लेंगे, उसके बाद में हम दोबारा जाएंगे। और कोई स्पिरिट वेवन या फिर लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम में मेरे को स्पिरिट वेवन मिली थी या फिर मिला था, बट ना मेरी गलती की वजह से दिक्कत हो गई एक, वो मैंने शायद से ना उसे फिनिश कर दिया, जज्बात में आकर मैंने उसे फिनिश कर दिया। 740 लेवल का ये, इसके ऊपर बैठने के लिए मेरे को अभी सेलेस्टियल आरजे का सैडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक हो गया, दूसरा वाला मेरी इन्वेंट्री में है ना, हाँ तू भी आ जा बाहर, क्योंकि इन दोनों को मैं मैक्स कर लूँगा अभी, दोनों को मैक्स कर लूँगा। कितना ज़्यादा बड़ा ये, कितना ज़्यादा बड़ा ये, तो बस 89 लेवल का है, बट अभी ना इनको मैं खूखार बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास में सारी दुनिया का सामान पड़ा हुआ है। तू एक काम कर, इधर रुक जा, मेरे पास जो केबल वगैरह है मैं इसको पहले रख देता हूँ। मैंने यार वो आरजे को टेम करने के चक्कर में ना भाई बहुत सारे एरोज वेस्ट कर दिए हूँ, वो अगर वेस्ट नहीं होते ना तो फिर किसी और काम में आ जाते, वो वेस्ट हो गया ना, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। 3-4 एरो मैंने जल्दी के चक्कर में ना वेस्ट कर दिए। खैर अभी अपने को जो पोशन चाहिए मैक्स वाला, हाँ ये मैक्स वाला एक पोशन है, दोनों के अपने को सैडल बनाने पड़ेंगे। हीलिंग पोशन तो मेरे पास में है ना, ये रहा हमारा सेलेस्टियल आरजे। भाई साहब तुम ये एक मैक्स वाला पोशन खा लो, तुम्हारा 88 लेवल अप हुआ है ना, तुम तो अपने सेलेस्टियल सॉरी स्पिरिट रैक से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो, तुम्हारा भी 88 लेवल अप हो गया है। तो मैं काम करता हूँ, तुम्हारी हेल्थ कर देता हूँ मैं कम से कम 60-70 मिलियन के आस। भाई 60-70 तो नहीं जाएगा ये, बट इसकी 50 तो कर ही सकता हूँ मैं, 50 मिलियन हेल्थ स्पिरिट की बढ़िया रहेगी, और बाकी का इसका करूँगा मेली डैमेज। स्टेमिना का इतना सीन नहीं है,
बट फिर भी एक काम करेंगे, जस्ट तसल्ली के लिए एक स्टेमिना बढ़ा देते हैं और एक मूवमेंट स्पीड बढ़ा देते हैं। अब कमेंट नहीं करना कि तुम खामखा नूब नेटफ्लिक तुम स्टेमिना बढ़ाते हो और मूवमेंट स्पीड बढ़ाते हो, ये दोनों भी चीज़ें काम में आती है ना, तो एकदम धीरे धीरे आराम से चलता है ना, उसके अंदर मज़ा नहीं आता। इसकी तो ऑलरेडी 3 मिलियन हेल्थ है, तेरे को मैं लेकर जाऊंगा सी। अरे भाई ये क्या भाग रहा है, ये 70 मिलियन पे तो अभी पहुंच गया। तेरी में हेल्थ सीधा 100 मिलियन भाई। नहीं 100 मिलियन भी नहीं, तू बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना, तेरी 131 मिलियन वो कर दूंगा, बाकी तेरी पूरी की पूरी मिली डैमेज बढ़ाऊंगा। और सब भाई रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ वरना होता है कभी कभी रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाते। 2-3 तेरा मूवमेंट स्पीड, 1 तेरा स्टेमिना, और इसके अलावा क्या चाहिए, 1 पॉइंट अभी भी बचा हुआ है, एक और मूवमेंट स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो टेंशन मतलब तू मरेगा नहीं, मैं तेरे को ये वाला पोशन खिला देता हूँ जिससे तेरी हेल्थ पूरी पूरी बढ़ जाएगी। टट्टी देखना खाली हेल्थ फुल होने तक कितनी टट्टी करेगा। अब यहाँ पर अपने को एक और हेल्थ पोशन खिलाना है ताकि ये भी अपना गोली हो जाए, ये भी टट्टी पर टट्टी किया जाएगा, देखना निकल रही कहाँ से है इसकी टट्टी, बस गिरते जा रही है, टट्टी का पिलर बना दिया इसने। इसके अंदर क्या है वैसे, पता नहीं क्या है, इसके पैर की वजह से मैं जा नहीं पा रहा। इसकी 50 मिलियन हेल्थ हो गई और इसकी 131 मिलियन हेल्थ हो गई भाई साहब। अब सैडल बनाने के लिए क्या लगेगा, तो ये रहा सेलेस्टियल आरजे का सैडल, जिसके लिए सेलेस्टियल हाइड 1500, काइटिन 600, फाइबर 900। क्या मेरे पास में सेलेस्टियल हाइड है यार, 1000 ही मेरे पास में सेलेस्टियल हाइड है भाई, 500 अपने को और हाइड चाहिए, कोई बात नहीं हम और जाके कूट लेंगे। स्पिरिट रेक्स के सैडल को लगेगा सेलेस्टियल सोल, 500 पॉल्यूमर और 15 ब्लड। 500 पॉल्यूमर तो है, सेलेस्टियल की सोल मेरे पास 6 पड़ी है ना, हाँ बस इधर से मैं पॉल्यूमर ले लेता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500। प्राइमल ब्लड तो 15 चाहिए, हमारे पास में 120 रखा हुआ है। ये रहा स्पिरिट रेक्स, नहीं ये तो ग्रिफिन है, ग्रिफिन भी अभी ढूंढने के लिए जाएंगे, मिल गया ना तो बहुत मस्त काम हो जाएगा। ये रहा स्पिरिट रेक्स का सैडल, ठीक है को बना लेते हैं। मेरे पास में पैरासोर का डेमोनिक सैडल भी पड़ा है ना, सारे सैडल को मैं एक काम करता हूँ इधर खाली वाले वॉल्ट के अंदर रखते हैं, बाद में ढूंढने के लिए ना थोड़ा सा इजी होता है। आरजे भाई मैं तेरा हाइड का जुगाड़ ना इसके ऊपर बैठ कर करूंगा, तू टेंशन मत ले। ये पहना देता हूँ इसको सैडल, ऐसे तो वो बाहर आएगा नहीं, इसके अंदर ही लेकर जाना पड़ेगा। अब जाते जाकर करेंगे हम तहलका बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, किसी को नहीं छोड़ने वाला भाई। मैं क्या करूँ यहाँ पर, इसे निस्पॉन करूँ या फिर हम इसे लेकर बर्फीले इलाके में जाए ताकि वहाँ पर और खतरनाक डायनोस को हम मार सके। हाँ ये वाला प्लान अच्छा है, क्योंकि यहाँ से अभी वहाँ तक जाने में बहुत देर लग जाएगी, तो इसीलिए हम जाते हैं अपने रुडोल्फ के ऊपर बैठ कर और सीधा बर्फीले इलाके में जाएंगे और ऐसी की तैसी करेंगे उसको ना। मैं एकदम सेफ वाली जगह पर पहले यहाँ पर स्पॉन, नहीं यहाँ नहीं, मेन मार्केट में जाएंगे, मेन मार्केट में। मेरे को पास ग्रिफिन मिल जाए यार, एक बार स्पिरिट ग्रिफिन मिल गया ना तो बहुत मस्त काम हो जाएगा। हाँ ये वाली जगह बिल्कुल बेटर है, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। रेक्स भाई साहब पहले आप बाहर आइए, रुडोल्फ भाई साहब पहले आप जेब में जाइए और मुझे अपने आप पर बिठाइए। ओहो जिंदगी का पहला, रुक जाओ पहले क्या क्या अटैक करता है ये। 1.5 लाख का डैमेज इससे दे रहा है और फिर इससे क्या अटैक करे, हाँ और भी फेंका उसने हवा में। नाइस, वेरी नाइस। और इसके अलावा और कुछ, सिर्फ बिजली बिजली कड़क रही है, इससे कुछ होगा नहीं। पसली वाला एक अटैक है इसका और वो जो दूसरा वाला अटैक दे रहा था वही है, कोई बात नहीं टेंशन मतलब। ऐसे घूमते हैं पहाड़ों के अंदर और जा करना सेलेस्टियल यहाँ नहीं मिलेगा ना, सेलेस्टियल अपने को जाकर ढूंढना पड़ेगा दूसरे साइड में। होप अगर इधर मिल जाए ना तो मैं उसको कूट लूँ भाई। ये कौन है ये, अरे सेलेस्टियल, अरे ये 380 लेवल है, अरे ये कमज़ोर है ना पहले। जाएगा हाँ गया। इजी पीजी। दे तेरा हाइड वगैरह दे दे, 484 हाइड आ गया। ए कोई और है यहाँ पर, अरे वाह एक और है यहाँ पर 100 लेवल का, बट ये तो कमज़ोर है मेरे को। हमने अच्छा हुआ पावरफुल टेम कर लिया, 3-3 वो है ये ख़त्म। इसको नज़दीक में जाकर मार दूँ क्या, बट ये भी डैमेज देगा ना, गंदा वाला देगा। ए ले तेरे को यहाँ से, अब तो फिनिश हो गई होगा ये, अरे फिनिश नहीं हुआ।
करंट लगा इसको लगा। अरे जाना पूरे के पूरे ऑर्ब्स ना हमारे पास में आके गिर रहे, मेरे को अलग जगह से जाना पड़ेगा या फिर पता नहीं। बाय 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 बाय, खत्म खत्म, चल निकल, हो गया सेलेस्टियल हाइड का जुगाड़ हो गया भाई। और इधर कुछ तो नहीं, नहीं नहीं ये तो नॉर्मल वाले, मेरे को ऐसे लगा कि यहाँ पर अपना वो स्पिरिट ग्रिफिन वगैरह, यार ऐसे ग्रिफिन मिल जा, यार ग्रिफिन मिल जा प्लीज। ये सारे ऑर्ब जाके मेरे पास ही क्यों वापस आ रहे हैं, मेरे ये सब जाना दूर जाके ब्लास्ट हो, पूरे जा रहे हैं वो मेरे पास में आ रहे, देखना इधर इनको अटैक ही नहीं हो रहा। तुम फेवेल्ड हो, मुझे फेवेल्ड चाहिए प्लीज, फेवेल्ड का ब्लड दे दो। हाँ वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते, एक नज़र घुमाएंगे उसके बाद में चले जाएंगे, क्योंकि जितना अपने को हाइट चाहिए था सेलेस्टियल से वो तो अपने को मिल गया है। और एक आंग पाएगा, मैं वही तो सोचू आवाज़ कहाँ से आ रही है, जब से ये कि सेलेस्टियल रैक्स 80 लेवल का। नहीं, निकल लो भाई, निकल लो, ये बैंड बजा देगा, गंदी वाली बैंड बजा देगा। इधर से भाग जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, इधर मेरे को अभी फाइट ही नहीं करनी किससे, बस एक आग का गोला मार दूंगा इधर। ये कौन है वैसे, ओरिजिन आरजे के काम करनी हो, तुरंत निकलो यहाँ पर से, मेरे को रुकना ही नहीं है यहाँ पर, बॉस फाइट तो मैं कर ही नहीं सकता अभी। ओरिजिन आरजे ना इसे टक टक मार के ख़त्म कर देगा, मेरे को पहले थोड़ा सा ना इसको चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा चलाना पड़ेगा, तब जाकर अपना कुछ काम होगा। तुम्हारी इन्वेंट्री में क्या क्या सामान है प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दो। 965 हाइड मिल गया, ओहो पूरा ही सामान दे दो भाई, सारे सामान काम का मिल गया अपने को। ये लो सेलेस्टियल हाइड, मेरे पास में 2 सोल और है ना, ये दोनों की दोनों सोल यहाँ पर रख देता हूँ। ये रहा सेलेस्टियल आरजे का सैडल भाई साहब, अब हम हवा में से ही सबकी बैंड बजाने वाले हैं, हम सबकी बैंड ना बस पहाड़ों में जाएंगे और आग का गोला मारेंगे। वैसे भी हमारे बंदे की जो हेल्थ है, हमारे आरजे की जो हेल्थ है वो 131 मिलियन है भाई, 131 मिलियन। तुम क्या क्या कारनामे बता सकते हो प्लीज बताना। एक तो ये वाला है और कुछ तो फेंका भाई, 1 मिलियन का डैमेज दी था, कुछ तो फेंक गया हमारे बंदे ने। ओ इसको अगर मार, ये मैंने होल्ड किया, जाओ अभी अटैक मेरे समझ में नहीं आया, नजदीक जाऊंगा, नजदीक जाकर अगर ऐसा अटैक अगर दूंगा ये बात, अरे तेरी ऐसी की तेजी, 4 मिलियन का ऐसे मार रहा हूं मैं, खतरनाक वाला अटैक करेंगे कैसे हम। ये वाला एक चार्ज अटैक कर रहा है, ये बहुत गंदा वाला, अभी तो हमारा ये ऑन है ना, बस मतलब ऐसे जाना है नजदीक और हाँ करके मारना है, बट इसको भी अच्छा खासा स्टैमिना लगेगा। 4 लाख का तो हम, 4 मिलियन का हम डैमेज दे रहे हैं अभी, बस इसको स्टैमिना बढ़ाने के लिए ना अपने को ये वाला पेस्ट इसकी इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा, और उसके बाद में जिसके भी पास जाएंगे ना, आप मेरे अटैक समझ में आ गया, अगर मैं ये वाला अटैक दूंगा तो पूरी चीज़ें फेंकेगा वो, ठीक है, मतलब करंट वगैरह और जितने भी वो रेंज के अंदर रहेंगे उनकी सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, या फिर हम ये वाला अटैक देंगे दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। समझ गया, ये 3-4 अटैक है इसके। आरजे से हम किसी बड़े डायनो को उठा सकते हैं क्या, रुक जाओ ये पैची घूम रहा है ना, इसको उठा लेता हूँ, या फिर इस हायना, अरे ये भी तो आ जाएगा ना, आ गया क्या, नहीं रह गया, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ जेब में आओ, तेरे को उठाऊंगा, मेरे को मारेगा तेरी तो, ये काटा फेंक दिया मैंने हवा से नीचे, मर तो नहीं रहे ना, इसकी आवाज आ रही है, ये अटैक अगर करूंगा इसकी तो हवा में वाट लग गई भाई। हेलो भाई साहब, क्या हेलो, हेलो काटे काटे काटे, नीचे जाऊंगा तो दिखेगा ना, ऊपर से साउंड ही नहीं आ रहा था। मेरे एक चीज अब समझ में आई, जो हम ये वाला डैमेज दे रहे हैं, मतलब ये जो हवा में हम सारी चीजें फेंक रहे ना, तो हम जब नीचे रह गए तभी हमें आवाज़ आएगी, अगर मैं इधर ऊपर से अगर चीज़ें फेंक रहा हूँ ना तब आवाज़ नहीं आ रही, देखना अभी मैं कोई भी अटैक अगर करूँगा। यहाँ पर एक पैरासोर घूम रहा है डेमोनिक वाला, 560 लेवल का है,
ना इसको मैंने मार रहा, इसको नहीं मार रहा, क्यों पता है? इसका हम टेम करेंगे, 560 लेवल का ये ऑलरेडी है, और अगर मैं इसको टेम कर लिया तो फिर और खतरनाक अपग्रेड हो जाएगा वो। भाई साहब ये लो, देखा अब साउंड आया, मेरे को लग रहा था कि इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा। बार बार चार्ज अटैक देना पड़ेगा। एक ही अटैक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मछलियों को अटैक दूंगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी पूरे मछलियों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मतलब अब हम नोवा द डिस्ट्रॉयर से फाइट ले सकते हैं। आज तो हमने सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी निपटा ली, मतलब रेक्स को भी हमने एकदम तुरंत टेम कर लिया, आरजे को भी टेम करने के लिए इतनी देर नहीं लगी क्योंकि उसको एक एरो मार दिया, और स्पिरिट रेक्स को भी एक एरो मार दिया, उनकी ऐसी की तैसी हो गई। अब मैं जाता हूँ अपने बेस और जाकर ना रोडोल्फ को लेता हूँ, और रोडोल्फ को लेकर जाकर हम ढूंढेंगे अब स्पिरिट वेवन या फिर स्पिरिट ग्रिफिन, ऐसे कोई खतरनाक और डायनोस को। इधर रुक जाओ, वैसे तुम मेल, यस मेल है, अपने को फीमेल चाहिए ताकि ये अंडे देते रहे। स्पिरिट को भी फीमेल कर दूंगा मैं। वैसे मेरे पास में कुछ मेटल है, मेटल है नहीं यार, मेटल पंप हमारे सारे खराब हो गए, मेरे को जाकर ना मेटल लेकर आना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आसपास की पहाड़ी पर ही अपने को काफी सारा मेटल मिल जाएगा, और से ना अपने को अनलिमिटेड मेटल मिल रहा था, बट अब वो काम ही नहीं कर रहा। तुम तो सादे वाले रैक्स हो ना। हाँ है, कौन मारा मेरे को? कौन मार रहा है? स्टोन सीलिंग यहाँ पर देखना, ये मैं बंदों की बात कर रहा था, ये वाले जो बंदे ना, ए क्या मार रहे है ये बंद, कुछ तो दे रहे भाई गंदा। इधर इनका बेस है, मैं जो बहुत एपिसोड पहले तुम्हें बता रहा था कि यहाँ पर ना बंदे लोग घूम रहे हैं, वो ये रहे, अब जाकर मेरे को मिले। इनका यहाँ पर कई बेस है जिसके ऊपर टरेट लगा है, देखना ये देखो ये मार रहे पूरे मिलकर ना रैक्स को मार रहे, देखना ये बंदे की हेल्थ बैन नाम है इसका, 560 लेवल का ये है, 181 के बंदे की हेल्थ है, मगर रैक्स ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी। यहाँ पर इनका घर है जो छुपके ये लोगों ने ना बनाया, रैक्स ने तो पूरा इनका परिवार खा लिया भाई। इनका बेस यहीं पर होना चाहिए। इनका टरेट है यार, यहाँ पर टरेट सेट करके रखे, छोड़ो मारते रहेंगे वरना अपने को ये, हम मेटल ढूंढने आए थे, मेटल ढूंढ कर जाएंगे। ये देखो एक और सेलेस्टियल आर्ज घूम रहा है 580 लेवल का, इसको भी हम टेम करेंगे, बट इसको मैं फिनिश नहीं करूंगा, ये अपने बाद में काम में आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ नहीं यार, लाइट ग्रिफिन है, मेरे को लगा स्पिरिट ग्रिफिन, ये भी नहीं, इसके बाजू कौन घूम रहा है? ये रॉक ड्रेक है, ट्रांसपेरेंट रॉक ड्रेक, मैंने बहुत टीम किया, रॉक ड्रेक इतने पावरफुल नहीं, प्राइमल फेयर के तो काम के नहीं है। यहाँ पर घूम रहा है एक ओमेगा फायर वेवन 660 लेवल का, बट इसकी तो 660 लेवल है बट हेल्थ तो सिर्फ 3.5 लाख है, मैं इससे एक झटका मारूंगा रोडोल से ही मर जाएगा वो, देखना ओमेगा केबल से टेम होगा। यार इतने खूबसूरत खूबसूरत डायनोज होते हैं बट पावरफुल नहीं होते। मैं पूरा बर्फीला इलाका घूम लिया, मेरे को एक भी स्पिरिट वेवन नहीं मिला, ना ही स्पिरिट ग्रिफिन और ना ही मेटल। मेटल तो चलो कोई भी पत्थर तोड़ लूंगा, उसके अंदर जितना अपने को मेटल चाहिए उतना तो मिल जाएगा, बट डायनोस भी तो चाहिए। पूरा बर्फीला इलाका अब खत्म होने आया है, मैं बॉर्डर टू बॉर्डर सेंटर सब जगह घूम लिया। इसको भी हम टेम करेंगे, ये जो दिख रहा है ना बॉस, इसको भी हम टेम करेंगे थोड़े टाइम के बाद, बॉस केबल लगेगा इसको। और यहाँ पर व्हाट, इस पहला वेवन देख रहा हूँ जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है और वो इतना खतरनाक है, पहली बार देख रहा हूं मैं ऐसे वाला। बॉस की बिल लगेगा इसको 8, बॉस की बिल बनेगा कैसा, एक सेकंड देना बस। बॉस की बिल के लिए बॉस एसेंस चाहिए, सिट्रोनल, अरे बस नाम बॉस की बिल है तो नॉर्मल ही है, कुछ सामने नहीं लगेगा, इजी पीजी टेम हो जाएगा भाई, इजी पीजी टेम हो जाएगा। मेरे को इसकी स्पीड बड़ी प्यारी लगी। बस एक लास्ट राउंड ना हम यहाँ से घूम कर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हो बच्चे लोग घूम रहे हैं, बच्चे लोग 8,000 की हेल्थ, इतना बड़ा शरीर है 8,000 की हेल्थ लेकर घूम रहे हैं। लास्ट टाइम हमारी जो फाइट हुई थी स्पिरिट वेवन से वो कुछ यहीं पर हुई थी, क्योंकि इसी एरिया में हम पैदल पैदल घूम रहे थे। अरे भाई साहब यहाँ पर आते ही देख रहे हो कैसे ओरिजिन, एक ये ओरिजिन रैक्स 520 लेवल का, ये भी ओरिजिन रैक्स 520 लेवल का, ये कौन सा ग्रिफिन है, होप टू लाइटनिंग आइस ग्रिफिन है यार भाई, और यहाँ पर प्राइमल रैप्टर, अरे पूरे बॉस ही बॉस है यहाँ पर, 3-4 बॉस है नीचे, प्राइमल नहीं अल्फा कार्नो है, अल्फा कार्नो को तो छोड़ दो, अब 3-4 बॉस है यहाँ पर। आऊंगा किसी को लेके आऊंगा, बंदर की टट्टी लेकर आऊंगा, तुम लोग को एक ही झटके में ऊपर से खड़े खड़े फिनिश कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये वाले एरिया में ना बहुत ज्यादा है सेलेस्टियल, बहुत ज्यादा आरजे सेलेस्टियल है यहाँ पर। इधर ओरिजिन भी है, नीचे अंदर केव भी है,
बहुत ओरिजिन है, बर्फीले इलाके सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एक केव है, अंदर जाऊं या नहीं जाऊं? अब आ ही गए हैं इस केव के अंदर, कुछ है भी या फिर ऐसे ही है बस? बस नाम की केव है भाई, कुछ है नहीं, खाली तो लग रही है अभी तक तो। नहीं 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 नहीं, बाय 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 बाय, किसी और टाइम आऊंगा। और मैं ट्रांसमीटर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो जो 5000 इंगट्स है ना, वो मेरे बहुत काम में आ रहे हैं। मैं एक ही टाइम में अगर किसी एक चीज के अंदर 5000 इंगट खर्च कर दूंगा ना, तो दूसरी चीजें बनाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए मैं अभी ट्रांसमीटर नहीं बना रहा। उससे अच्छा मैं घूम कर ही टेम कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, बहुत कम टाइम लगता है कभी कभी ढूंढ कर टेम करने में। ओहो सेलेस्टियल वेवन, हेलो सेलेस्टियल वेवन, बच्चा है, एक यहाँ से एरो मार दिया ना तो बेहोश हो जाएगा। बट अभी सेलेस्टियल वेवन का नीड नहीं है, कुछ और मेरे को सेलेस्टियल मिल गया ना तो मैं उसे भी टेम कर लूंगा। केवल अभी बचा के रखता हूँ, वेवन तो यही है, वेवन को कभी भी टेम कर लेंगे, वेवन को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। चलो जितना मेटल मिला उतना मैंने लेकर आ गया हूँ पत्थरों को तोड़कर। अब हमें चाहिए जेंडर वाला पेस्ट, तीन बनेंगे ना, तीन के तीन जेंडर वाले पेस्ट बनाता हूँ। और पहले अपने आरजे को करेंगे हम महिला आरजे, सारा ट्रांसफर इधर हो जाओ। अब तुम जाओ और जाकर अंडे दो, बट मैं एक काम करता हूँ, रेक्स को भी ना मैं फीमेल कर लेता हूँ ताकि अंडों का टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैंने कोई एक डायनो का सोच के आया था, बट हमारी किस्मत अच्छी है, दोनों के दोनों डायनो मिल गए अपने को, और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ईजी पीजी और बहुत ज़्यादा जल्दी टेम हो गए। अब यहाँ पर आराम से भर भर के अंडे दो, तुम किस भी चीज का टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें है अपने पास में। रोडोल्फ तू भी आराम कर, और हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, नए आए हो चैनल पे, इंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेज लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेज, नई सीरीज चैनल पर आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू। और हाँ, अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, सारी चीज़ों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करना। बाय।